आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, ब्रेक कर रही है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी होस्ट इकरा सलीम और आज एक दफ़ा फिर मैं एलमी सिटी के प्लेटफॉर्म पे मौजूद हूँ। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि एलमी सिटी लाते हैं बहुत सारे मालूमाती सेशंस, और जिससे आप हर रोज़ कुछ ना कुछ सीखते हैं और इस काबिल होते हैं कि आप दूसरों को सिखाएं। हम इस प्लेटफॉर्म पे मौजूद हैं, डेली बेसिस पे एक सीरीज चलाते हैं जिससे आप लोग डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ नया सीखें, कुछ ना कुछ नया जो देख रहे हेलो, हैं उसके आपको मेरी बारे में आवाज आ रही जानें है? कि क्या है और क्यों है। जी जी आ रही है सर आपकी आवाज। वी आर लाइव नाउ सर। जी मैं अपने ऑडियंस को बताती चलूं कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इस टॉपिक में हमने ये चीज देखना है कि हमारी जो ओपनिंग ऑफ स्कूल है और उसका कोविड से क्या रिलेशन बंदा है। मेरे नाल भी काम खराब है इंटरनेट का। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू ऑल मेंबर्स जिन्होंने हमें ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस ऑल। एंड हमारे गेस्ट जो हैं जुबैर साजिद हमारे साथ मौजूद हैं, ड्यू टू सम नेटवर्क इशू वो अभी हमें रीज्वाइन कर लेंगे। मैं अपने ऑडियंस को बताती चलूँ कि हमारा आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, और जो हमारे गेस्ट हैं वो भी जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं, और जैसे ही वो आते हैं मैं उन्हें दोबारा से एक वार्मली वेलकम करूंगी कि हाँ उन्होंने हमें ज्वाइन किया। आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग है कि हमारे स्कूल जो हैं, टॉपिक हमारा मैं अपने ऑडियंस को बताती चलूँ कि हमारा आज का टॉपिक है कि कोविड-19 और रीओपनिंग ऑफ स्कूल, ठीक है, कि कोविड की वजह से जो स्कूल क्लोज थे और अब दोबारा खुल गए हैं, इस सब के ड्यूरेशन में सब कुछ क्या चल रहा था। हमारे स्कूल्स, यूनिवर्सिटी, तालीमी इदारे सिर्फ बंद थे और बाकी हर चीज खुली थी। इन सब चीजों का असरात जो है, जो असर आ रहा था वो क्या सिर्फ हमारी पढ़ाई पे था या बाकी सब पे भी था? बाकी तो हर चीज खुली हुई है, हर चीज जा रही है, हर चीज प्रैक्टिकल हो रहा है, सब कुछ चल रहा है, पर अगर बंद है तो सिर्फ वो हमारे स्कूल्स हैं। जी हमारे साथ गेस्ट जो आज, वो बहुत अच्छे गेस्ट हैं, वो जर्नलिस्ट हैं, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं और एनालिस्ट हैं, और उनका तो डेली बेसिस पे इन चीजों से निपटने का एक काम है। जी आई थिंक सो नेटवर्क इश्यू है जुबैर साजिद का। सर आई एम ऑडिबल फॉर यू। ये आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी मुझे आपकी आवाज आ रही है। जी जी मुझे आपकी आवाज आ रही है। सर आप मुझे सुन सकते हैं प्रॉपरली? जी इंटरनेट इशू है हमारे गेस्ट का और इट्स अ पाकिस्तान और ये होता रहता है, कोई नहीं। जी मैं अपने ऑडियंस को बताती चलूं कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। जैसे कि हमारा स्पेसिफाई है कि आज जो हमने चीजें डिस्कस करनी थी, मैं कुछ आपके साथ शेयर कर लूं, तब तक हमारे होप्स हो के गेस्ट का इंटरनेट जो है वो रिजॉल्व हो जाएगा। उसमें हमने ये चीज स्पेसिफाई करनी है कि हर चीज जो है वो खुली हुई है, ओपनिंग हो रही है, सब रेस्टोरेंट्स खुले हैं, जॉब्स खुली हैं, मार्केट्स ओपन हैं, लेकिन अगर बंद है तो हमारे बच्चों के स्कूल हैं, हमारी यूनिवर्सिटीज हैं और कॉलेजेस हैं, एकेडमीज हैं, तालीमी इदारे जितने भी हैं सब बंद हैं, लेकिन अगर दूसरी साइड पर देखा जाए तो हर चीज ओपनिंग है। एक चीज प्रोटेक्शन में ये भी आ जाती है कि बच्चे जो हैं वो वाकई में बहुत ज्यादा नाजुक होते हैं और उनको प्रोटेक्ट करना भी एक गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, हमारी अपनी जिम्मेदारी है, लेकिन ऑन द अदर साइड अगर हम देखें अगर ऑन द अदर साइड हम ये चीज देखें तो उसमें ये चीज है कि हम लोग
जी हमारे गेस्ट का थोड़ा सा नेटवर्क इशू है। आई होप सो कि नेटवर्क रिजॉल्व हो जाए और हम अपना सेशन कंटिन्यू कर सकें, क्योंकि टॉपिक जो आज का है वो बहुत इंटरेस्टिंग है और मैं तो खुद इस पर बहुत ज्यादा तजस्स में थी कि आज हम इस पर बहुत अच्छी डिस्कशन करेंगे और बहुत डिटेल से करेंगे। अच्छा, इसके साथ साथ मैं अपने ऑडियंस को कहती चलूं कि आप लोग कमेंट्स तो कर रहे हैं, मैं आपके कमेंट्स भी देख रही हूं, लेकिन कमेंट्स अगर आप टॉपिक से रिलेटेड करेंगे तो ही टॉपिक जो है ना वो इंटरेस्टिंग होता है और मजा आता है इस पे बात करने का। जी, कुछ मौसम की वजह से भी नेटवर्क इशू जो है वो हो जाता है, इट्स नॉट इशू। एक्चुअली मुझे कॉल्स आ रही थी तो इसलिए मैंने वो बंद किया, तो मेरा नेटवर्क इशू हो गया। मेरा ठीक है। आई थिंक सो कि हमारे गेस्ट हमें ज्वाइन कर लेंगे। मैं अपने ऑडियंस को एक दफा फिर बताती चलूँ कि हमारा आज का टॉपिक जो है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। हमने बात जो करनी है वो सेकेंड वेव ऑफ कोविड की करनी है और उसके बाद रीओपनिंग ऑफ स्कूल की करनी है। रीओपनिंग ऑफ स्कूल से पहले, बिफोर ओपनिंग ऑफ स्कूल, में क्या सिचुएशन चल रही थी, किस लिहाज से ये सब चल रहा था और क्यों ये सब हो रहा था, आज हम इन सब चीजों को डिस्कस करेंगे। और आज का टॉपिक जो है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है और इसमें बहुत सारी छोटे छोटे पॉइंट्स डिस्कस होने वाले हैं। और जी, मैं अपने गेस्ट का वेट कर रही हूँ कि अगर वो हमें ज्वाइन कर लें तो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करें। उसमें सबसे एक कॉमन जो बात है वो यही है कि जी अगर हम देखें तो हर चीज, जैसे मैं पहले भी बात करी थी कि हर चीज जो है वो चल रही है, मार्केट चल रही है, ओपनिंग है। जी, मैं आप देखें, अकॉर्डिंग टू टॉपिक आप अगर करें तो फिर हम लोग आपके जो कमेंट्स हैं वो जरूर मेंशन करते हैं। जैसे ही गेस्ट आते हैं हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारे गेस्ट का शायद नेटवर्क इश्यू है, तो मैं इस टॉपिक को थोड़ा सा अगर ब्रीफली डिस्क्राइब करूं तो उसमें यही है कि जब बच्चे बच्चे जो हैं, अगर हमारे घर में हर मेंबर, हर फर्द जो है वो जॉब पे जा रहा है और काम कर रहा है, लेकिन सिर्फ बच्चे जो हैं वो घर में मौजूद हैं, अगर कोई मेंबर है अगर वो शॉप तक ही जाता है, तो कोविड का आपको पता है कि इसके जो सिम्टम्स हैं ये तो बिफोर 15-14 डेज जो है ना वो अपेयर ही नहीं होते, तो ये तो किसी को भी हो सकता है। तो इस तरह तो बहुत डेंजरस है। मतलब आप तो फिर ये है कि घर में कैद होके बैठ जाएं, किसी को भी ना जाने दें। तो जब हम लोग बाहर जाते हैं तो हो सकता है कि ये खतरा हम खुद भी मोल लेके आए हो, तो बच्चों को तो वहां से भी हो सकता है। सारा दिन जो बच्चे खेलते हैं और इस तरह बिल्कुल अपनी रूटीन डिस्टर्ब करके बैठे होते हैं और बिल्कुल भी नहीं पढ़ते और इतने ज्यादा शरारती हो जाते हैं, तो ये भी तो इफेक्ट है बच्चों की तालीम पे। इस चीज का तो किसी ने नहीं देखा। बहुत सारे स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटीज की बात की जाए, ऐसे हैं जिनके ड्यू टू नेटवर्क इश्यूज और ड्यू टू ये एक्सपेंस ऑफ नेटवर्क वो लोग क्लासेस अटेम्प्ट नहीं कर सके। उन लोगों के सेमेस्टर वेस्ट हुए, उन लोगों का कितना ज्यादा टाइम जो है वो वेस्ट हुए, आप ये भी देखें। ठीक है, नहीं ऐसी बात नहीं है। देखें, कोविड जो है वो है, जिन लोगों के अजीज जो हैं वो चले गए हैं वो तो चले गए हैं, उससे तो ऐसी बात नहीं है। कोविड है और आप लोगों को इस चीज को बिल्कुल मानना पड़ेगा कि कोविड जो है वो है और इस चीज से इफेक्ट हुए हैं वो लोग, इफेक्ट हुए जिनकी फैमिलीज इफेक्ट हुई हैं, जिनके अपने जिनके अपने जो हैं वो
उनसे अलग हो चुके हैं, जो बेचारे 30 days 15 days जो आइसोलेट हुए हैं हॉस्पिटल्स में, घरों में, इफेक्टेड तो है, और कोविड है, ये इस तरह की डिजीज है जैसे कह लें कि डायग्नोज होने में भी टाइम लगता है, डायग्नोज होने में भी टाइम लगता है, और आप एकदम से हर चीज डायग्नोज नहीं होती, ये बात जो है वो बहुत एक है। और लेकिन इस पे इस चीज से आप डिनाई नहीं कर सकते जी कोविड नहीं है, कोविड है, और इसके सिम्टम्स जो हैं वो बिल्कुल ये कह लें कि जल्दी अपेयर नहीं होते, लेकिन होते जरूर हैं, और जब होते हैं तो वो बहुत ज्यादा घेरा, ज्यादा इफेक्टेड उन लोगों पे होता है जो पहले ही किसी ना किसी बीमारी से निपट रहे होते हैं, जैसे बहुत बड़ी एज के बच्चे हो जिनका इम्यूनिटी लेवल जो होता है, बड़ी एज के लोग जो होते हैं उनका बहुत कम होता है, और बहुत छोटे बच्चे, या अगर यंगस्टर्स में देखें हम जैसों में, तो बहुत सारे हम में भी लोग ऐसे हैं जो चलते फिरते हैं लेकिन बहुत सारी डिजीजेज उनके साथ होती हैं, जैसे किसी को हार्ट का पेशेंट है, कोई ब्लड प्रेशर का भी हो जाता है, अक्सर होते हैं, और उनकी इम्यूनिटी कुछ भी ना हो तो उनका इम्यूनिटी लेवल बहुत कम होता है, तो उनके सामने भी ये जो है वो स्नेरियो जो है वो हो जाता है, और ये लोग ये लोग इस चीज का शिकार हो जाते हैं। इट्स नॉट एन बिग इशू, मतलब ये इतना आप इसे डिनाई नहीं कर सकते जी कोविड नहीं है और ये हमें नहीं हो सकता, कोविड है और ये होता है, लेकिन एहतियात जो है वो बहुत जरूरी है। हमारा मेन टॉपिक भी आज के इसी से रिलेटेड था कि जब हर चीज चल रही है, हम मार्केट जा रहे हैं, हम बच्चे बच्चों को मॉल्स में लेके जा रहे हैं जी, बच्चों को मॉल्स में लेके जा रहे हैं, बच्चे गली में खेल रहे हैं, बच्चे हर तरह के लोगों से मिल रहे हैं, तो क्या तब कोविड जो है वो नहीं हो सकता जी? सर वेलकम बैक, आई एम ऑडिबल फॉर यू। सर जुबैर साजिद, आई एम ऑडिबल फॉर यू। समथिंग वेंट रॉन्ग, आज का शायद सेशन इनके साथ पॉसिबल ही नहीं हो सकता। सर देखें आपका जो कमेंट है, अगर बच्चों के स्कूल आप अभी भी ओपन नहीं करवाएंगे तो कब करवाएंगे? मतलब पूरा साल जो है वो वेस्ट हो चुका है बच्चों का, दो दो सेमेस्टर्स लोगों के जाया हो चुकी हैं, अभी भी ये गुड डिसीजन नहीं है। क्या आप अपने बच्चों को घर में बिठा के प्रॉपर वो गाइडलाइन दे रहे हैं जो बच्चों की एक नीड है, बच्चों की एक रूटीन है, टाइम टेबल है, उनकी तरबियत का एक बहुत अहम हिस्सा है, ये चीज पॉसिबल ही नहीं है। जी सर वेलकम बैक वंस अगेन, वेलकम ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ फिल्म सिटी। हेलो। जी जी सर आप मुझे सुन सकते हैं? शुक्रिया। मैं माद्रास जाता हूँ, इंटरनेट के इशू है। असल में मैं एक रिमोट एरिया में आया हुआ हूँ। जी जी सर इट्स ओके जैसे इट्स मुझे आपकी ओके। आवाज आ रही है, मैं जो है ना रिमोट एरिया में आया हुआ हूँ, मुझे कोई एमरजेंसी में आना जी पड़ सर गया था, मैं तो भी आपको मैं सुन सकती हूँ। वहां पे इंटरनेट इशू आ रहा है काफी, जिसकी वजह से हमारी कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही। जी जी सर मैं आपको सुन सकती हूँ। हम अपना टॉपिक स्टार्ट करें, मैं आपका इंट्रोडक्शन भी करवा चुकी थी लेकिन ड्यू टू सम नेटवर्क इश्यूज आप यहाँ पे अवेलेबल नहीं थे। वंस अगेन वेलकम बैक ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ फिल्मी सिटी। अगर हम अपना टॉपिक स्टार्ट करें तो सबसे पहले हमारा जो स्पेसिफाइड टॉपिक है वो कोविड और रीओपनिंग ऑफ स्कूल है और सेकेंड वेव ऑफ कोविड है। तो सर एक ये कम्बिनेशन थोड़ा सा अजीब सा है कि यहाँ से हमारी सोसाइटी में बड़ा ज्यादा आ रहा है कि जी सेकेंड वेव, आज भी मैं थोड़ी देर पहले ही न्यूज सुन रही थी तो उसमें ये आ रहा था जी कि
बहुत सारी जगहों पे स्मार्ट लॉकडाउन की उन्होंने रिक्वेस्ट दी है कि वो चीज करें। और इधर से ये भी हो गया कि जी बच्चों के स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज जो कि 1 साल से तकरीबन बंद हैं, 1 ईयर इसको होने वाला है, ठीक है, और अब वो बच्चों के स्कूल भी खुल गए हैं। तो ये सर क्या अजीब सा कॉम्बिनेशन बन गया है। सर आई एम ऑडिबल फॉर यू, आप प्लीज कंटिन्यू करें। देखिए क्या अभी स्कूल खोलने के हवाले से प्रॉपर फैसला नहीं हुआ। दोबारा फिर जो है वफाकी हुकूमत ने कहा है कि हम इसके ऊपर दोबारा मीटिंग लेंगे कोविड की वजह से, क्योंकि आपकी बात दुरुस्त है कि शॉपिंग मॉल तो चल रहे हैं। जी और हमारे गेस्ट एक दफा फिर हमें ज्वाइन करके वो अपनी रीजन बता चुके हैं कि वो इस टाइम एक इस उस एरिया में मौजूद है जहाँ पे सिग्नल्स का बहुत ज्यादा इशू है, और वैसे भी कुछ मौसम की वजह से ये इशू जो है ये रहता है। लेकिन इट्स ओके, अभी उन्होंने एक जाते जाते एक बात कह दी है कि जी कोविड की वजह से एक दफा दोबारा मीटिंग हो रही है, और शायद बच्चे हमारे बड़े खुश हो जाएं कि उन्हें एक दफा फिर से लॉकडाउन में उनको एक फायदा होने वाला है। लेकिन उसका अगर हम देखें तो मेरे ख्याल से तो बहुत ज्यादा नुकसान भी है, बहुत सारी पढ़ाइयाँ जो हैं, स्टडीज जो हैं वो बिल्कुल खत्म हो गई है। ये भी बात ठीक है कि अगर हमारी गवर्नमेंट ने इस चीज का अलाउ किया है, अगर हमारी सिस्टर सॉरी मैं कमेंट पढ़ी थी तो मेरे मुंह से वही स्किप हो गया, आई एम सो सॉरी। मैं अपनी बात कंटिन्यू करूं कि अगर हमारी गवर्नमेंट ने इस चीज का कहा है कि जी हम लोग बच्चों को सेफ करें और उनको बचा रहे हैं इस तरह की सख्त किस्म की बीमारी से जिसका अभी तक कोई प्रॉपर इलाज जो है वो सामने नहीं आया, तो यहाँ पे एक जिम्मेदारी जो है वो हमारी हमारे पेरेंट्स की है, हमारी अपनी है, हमारे घर वालों की है, हमारी एक सोसाइटी की है कि वो अपने बच्चों को बहुत ज्यादा प्रिकॉशंस में रखें, उन्हें एहतियात करें। लाजमी नहीं है कि अगर बच्चा पार्क में जाके खेलता है तो तभी वो सेटिस्फाइड होता है, अगर आप अपने बच्चों को थोड़ा सा टाइम खुद दे देते हैं और घर में इस तरह का इन्वायरमेंट क्रिएट कर देते हैं तो शायद उन्हें इस तरह बाहर ना जाना पड़े। तो ये आप लोगों की अपनी जिम्मेदारी भी है, हर चीज में हम ये नहीं कह सकते कि जी हाँ हमारी हुकूमत ने इस तरह किया, और हमारी हुकूमत ने एक साइड पे ये भी है कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो बहुत ज्यादा हमारा साथ भी दे रही है और बहुत ज्यादा हमारी प्रोटेक्शन के लिए काम भी कर रही है, लेकिन यहाँ पे कुछ जिम्मेदारी जो है वो हमारी अपनी है, हमारे अपने ऑन पर है, हमारे अपने घर वालों की है, एक सोसाइटी की है कि वो यहाँ पर किस तरह का रोल प्ले कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, और ये सब चेक एंड बैलेंस करना आप लोगों की अपनी जिम्मेदारी है, क्योंकि ये जो बच्चे हैं ये आपकी नेमत है, आपके गिफ्ट हैं, किसी के नहीं है। इनको संभाल के रखना भी आपकी अपनी जिम्मेदारी है, किसी के ऊपर इस चीज को आप मत ब्लेम देंगे भी। अगर स्कूल भी खुल जाते हैं तो आप उस चीज में ये देखें कि फिर भी जिम्मेदारी आप लोगों की है, खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे कि अगर कोई बच्चा इस चीज का शिकार होता है, इस बीमारी का, तो फिर भी किस हुकूमत तो आके आपको पैसा नहीं ना देगी, या हुकूमत आपके बच्चे की सेहत रिपेयर नहीं करेगी, ये आपकी अपनी जिम्मेदारी है। इसलिए कुछ होने से पहले आप खुद एहतियात करें, वो एक बहुत अच्छी सी बात है कि एहतियात इलाज से बेहतर है। तो इस चीज को समझें कि ये जो एहतियात का टाइम है, जब इलाज का टाइम होता है, इलाज पैसे तो और बात है, लेकिन उससे पहले जो बच्चे की सेहत जाती है, कोई डॉक्टर, आपको पता है हॉस्पिटल्स में डॉक्टर केस नहीं पकड़ते इस तरह का कोई इश्यू आ जाए तो कितने ज्यादा क्राइसिस आपको जो है वो फेस करने पड़ते हैं। उससे पहले कि इस तरह का कोई इश्यू हो, आप अपने बच्चों की खुद केयर करें, खुद ध्यान करें, अपना ख्याल करें, क्योंकि सेकेंड वेव का बहुत ज्यादा जिक्र है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बात की कि मैंने अभी खुद न्यूज चैनल में मैं सुन रही थी कि आप सेकेंड वेव ऑफ कोविड की वजह से उन लोगों ने स्मार्ट लॉकडाउन की जो है ना वो एप्लीकेशन दी है कि जी इस पे गौर किया जाए। तो अगर ये जो इश्यू है वो बहुत ज्यादा बढ़ा है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है
कि आप अपने बच्चों की खुद केयर करें, अपनी केयर करें, आप अगर बाहर जाते हैं अपनी प्रोटेक्शन करें, घर में आते हैं तो जब एंट्रेंस से पहले अपने आप को अच्छी तरह सैनिटाइज कर लें, क्योंकि इतनी ठंड में बार बार बाथ तो ले नहीं सकते आप, तो सैनिटाइज कर लें और इस तरह का खुद का ख्याल करें। इसलिए आप लोगों का ये फर्ज है, हकूमत जो कर रही है वो एक अदर साइड है, अगर हम उसको डिस्कस करें तो वो एक बहुत बड़ा टॉपिक बन जाता है। तो इसलिए आप लोगों को बहुत ज्यादा अपना रोल एक प्ले करना पड़ता है, हर इंसान को हर काम के लिए एक अपना रोल प्ले करना पड़ता है, चाहे वो घर में हो, बाहर हो, ऑफिस हो। इसी तरह जब आप अपनी प्रोटेक्शन करते हैं तो आपके साथ बहुत सारे लोग होते हैं, आपके बहन भाई होते हैं, सिबलिंग्स, पेरेंट्स, ठीक है, कजन्स, और अगर आप ज्वाइंट फैमिली में तो फिर तो बहुत सारे लोग आप लोगों के साथ हैं, आपके फ्रेंड्स। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी वजह से किसी को नुकसान ना पहुंचे या कोई इशू ना हो, तो प्लीज आप पहले, सबसे पहले खुद की केयर करें। अगर हम वैसे भी किसी चीज को देखते हैं, कोई साइकोलॉजिकल भी टॉपिक डिस्कस करते हैं, सेल्फ एस्टीम, डिप्रेशन, एंजाइटी एंड एक्सेट्रा कोई भी, तो उसमें हमारा सबसे पहले कंसर्न जो होता है वो अपने क्लाइंट के साथ यही होता है कि आप सबसे पहले खुद पर फोकस करें, अपने आप से बात करें, खुद को इम्प्रूव करें। सेम साइड है कोविड की, अगर आप चाहते हैं कि आप सेफ रहें, आपकी वजह से किसी को नुकसान ना पहुंचे या आपको खुद ना नुकसान पहुंचे या आप किसी के जिम्मेदार ना हो नुकसान उठाने के, देन फर्स्ट पे आप अपने आप को प्रायोरिटी दें। सेम वैसे ही जैसे हम ट्रीटमेंट करते हैं, सबसे पहले अपने आप को प्रायोरिटी दें, अपनी चीजों का ख्याल रखें, खुद सफाई का प्रिकॉशंस जो है उसको यूज करें, उन पे पूरा उतरें, और उसके बाद फिर है जो आप दूसरों की केयर कर सकते हैं। जब आप खुद जो कह लें कि सैनिटाइज नहीं करते, इन चीजों को यूज नहीं करते, एहतियात नहीं करते, तो फिर उसके बाद आप किसी की भी केयर नहीं करते। इसका मतलब है कि आप अपनी अपने साथ साथ बहुत सारी जानें जो हैं उनका नुकसान करने पे कह लें कि एग्री हैं और आपको इस चीज का कोई दुख भी नहीं है। सो प्लीज इन चीजों को थोड़ा सा फोकस करें, इतना मुश्किल नहीं होता और कोई भी चीज नामुमकिन नहीं होती, थोड़ी सी मेहनत है, थोड़ी सी करनी चाहिए। अगर आप ये सब करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत कुछ बेहतर हो जाएगा, आप खुद जो है दिल से सेटिस्फाइड हो जाएंगे, और एक इसके साथ साथ आपके अंदर बहुत सारे एटिकेट्स और मैनर्स भी आने लग जाते हैं, आप बहुत सारी कह लें कि आपके जो तरबियत है और आपका जो एटीट्यूड है उसमें भी ठहराव आने लग जाता है जब हम किसी भी रूल्स को, किसी भी रेगुलेशंस को, किसी भी प्रिकॉशंस को मैयर करने लगते हैं। तो ये सब चीजें डिपेंड करती हैं आपके आपकी अपनी जात पे, तो प्लीज इन चीजों को फॉलो करें और फोकस करें इन सब चीजों पे। जी, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग, एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑडियंस ज्वाइन करने के लिए। बहुत माजरत के साथ आप लोगों के साथ हमारे जो आज के गेस्ट थे तो वो बहुत अच्छे जर्नलिस्ट हैं, और उनसे आज के टॉपिक पे बात करने का मजा भी बहुत आना था, ड्यू टू सम नेटवर्क इशू वो हमें ज्वाइन नहीं कर सके। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगी कि इस टॉपिक के साथ दोबारा जरूर उन्हें इस प्लेटफॉर्म पर बुलाया जाए और इस बात को बहुत डिटेल से किया जाए। अभी तो मैंने सिर्फ उसके कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, क्योंकि जर्नलिज्म में जो इंसान होता है उसको बहुत डिटेल से हर चीज का जो कह लें कि नॉलेज होता है। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग, थैंक यू सो मच फॉर कोऑपरेशन हमें ज्वाइन करने के लिए और अपने कॉमेंट्स शेयर करने के लिए। जी, मैं आपको बता चलूँ, साइकोलॉजिकल इश्यूज एक बिल्कुल अलग टॉपिक है और आज का हमारा जो टॉपिक है वो बिल्कुल अलग था, इसलिए सिर्फ मैंने एज अ एग्जाम्पल जो है वो चीज बताई है। तो सिर्फ इसलिए उसको आप लोगों ने साइकोलॉजिकल इश्यूज को मैंने जिक्र किया, इसलिए उस पर फोकस ना करें। जो मेन टॉपिक था हमारा कोविड-19, सेकेंड वेव कोविड-19 एंड रीओपनिंग ऑफ स्कूल, हमारी मेन जो डिस्कशन थी वो 20 मिनट्स की इसके ऊपर थी। थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन एंड जजाकल्ला। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन के लिए हम दोबारा से इस प्लेटफॉर्म को जरूर ज्वाइन करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।